17 साल पहला कतल कर दिते गए रामचंद्र छत्रपति नू आखिर इंसाफ मिल ही गया। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नू आखिरी साह तक उम्र कैद अते तीन होर दोषियों नू भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जिस तों बाद रामचंद्र छत्रपति के परिवार ने राम रहीम नू हुई सजा से संतुष्टि जताई है। रामचंद्र छत्रपति की धी श्रेषी का कहना है कि अदालत वालों इन्ने समय बाद फैसला आया अते राम रहीम नू उम्र भर जेल की सज़ा होने से वह सुकून महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। उन्होंने आखिया कि उन्होंने परिवार के उत्ते दबाव भी पाया जा रहा है, वख-वख सियासी पार्टियां राम रहीम नू बचा भी रही सन, पर आखिर हुण सच की जित हुई है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती हूँ मैं। हालांकि हम कैपिटल पनिशमेंट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से मैं इस फैसले को गलत नहीं समझती हूँ और कम नहीं आंकती हूँ। पिता का कातिल कभी ना बाहर आने के लिए सलाखों के पीछे रोज़ सड़ेगा और रोज़ अपने काले कारनामों को याद करेगा। ये काफ़ी सुखद एहसास है। डेफिनेटली फैमिली के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। अंशुल के चारों तरफ भी एक डर का माहौल क्रिएट रहता था और हमें ऐसा लगता था कि जब अंशुल ट्रायल के लिए कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी अम्बाला जा रहे हैं तो शाम को वो सही सलामत घर वापस लौटें, इस तरह की कामना हमारा सारा परिवार करता था। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी किसी तरह का हमें वो एक अपने प्रति कभी भी सॉफ्ट नज़रिया नहीं दिखा, बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ उसी बाबा को नतमस्तक होती थी और वोट बैंक के लिए कुछ भी कर गुजरने को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार थी, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से हमें भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। सिस्टम भी अगेंस्ट जा रहा था तो डेफिनेटली कई बार ऐसा हौसले पस्त होते होते फिर से उभर के ऊपर को उड़ान भरते रहे। तो उसके पीछे अंशुल का पिता को न्याय दिलाने का जो जज्बा था उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। दोनों केस आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। साध्वियों की लेटर को प्रमुखता से छापने की वजह से और वहाँ से ही एक, हालांकि इससे पहले भी पिता जी लिखते रहे डेरा के खिलाफ और बाकी पाखंडवाद के खिलाफ भी, तो उन साध्वियों को हालांकि राहत काफ़ी दी पिछले साल कोर्ट ने, लेकिन ये आज जो एक दोबारा से पिताजी के केस में जो एक फैसला आया, उन्होंने उनके साध्वियाँ जो जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके जो कष्ट थे उनको भी कुछ और कम दिया होगा, और कम किया होगा, उनके जख्मों पर कुछ और मरहम ज़रूर लगाया होगा। हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं और ये न्याय की जीत है, सच की जीत है, छत्रपति की जीत है, अंशुल की जीत है, पत्रकारिता की जीत है और पाखंडवाद के खिलाफ तर्क की जीत है।